कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई शहर नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हम अक्सर फिल्मों में देखा करते थे कि प्रेमी या प्रेमिका अपने प्यार को पाने के लिए घर परिवार छोड़कर, नाते बंधन तोड़कर अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। कुछ तो अपने प्यार को पाने के लिए सात समंदर पार कर भी चले आते हैं। अब ऐसा ही एक मामला यूपी के औरैया जिले से सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर पनपा प्यार सात जन्मों के बंधन में बंध गया। दरअसल औरैया जिले के दिव्यापुर कस्बे के रहने वाले रामजी तिवारी ने की मुलाकात न्यूजीलैंड के शैनल से इंस्टाग्राम ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए, जो कि उनकी मैनेजर थी। शैनल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहती है। शैनल यूएसए की एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के जरिए 2 साल पहले ऑनलाइन रामजी से इंस्टाग्राम के जरिए मिली थी। इसके बाद दोनों में चैटिंग शुरू हो गई, दोनों में दोस्ती हुई, जिसके बाद अप्रैल 2021 में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने आगे की जिंदगी साथ गुजारने का फैसला लिया। अपने परिजनों से बात की तो वो भी मान गए। तब तक दोनों ऑनलाइन ही एक दूसरे के संपर्क में रहे और 25 जनवरी को आखिरकार दोनों ने एक संग फेरे लेकर हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। मैं इनसे इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू मिला था। ये मेरी मैनेजर थी और इनके जरिए जॉब का पूरा वो था मेरा। फिर उसके बाद हमारी एक बाउंड बड़ी दोस्ती हुई दोस्ती के बाद प्यार हुआ, एक रिलेशनशिप में आए और बहुत बेहतर रिलेशनशिप में आए। इन्होंने काफ़ी मेरा ख्याल रखा। उस टाइम लॉकडाउन था इंडिया में, तो काफ़ी खासा दिक्कत इंडिया में भी थी और मेरे भी परिवार में थोड़ी चल रही थी, तो फाइनेंशियली और थोड़ा इन्होंने हर चीज़ से मुझे कवर करके रखा। उसके बाद हमारी फर्स्ट मीटिंग अभी 17 जनवरी को हुई। उससे पहले हम लोगों ने शादी का डिसाइड कर रखा था, सारे अरेंजमेंट वगैरह कर रखे थे और ये इंडिया आई हैं 17 जनवरी को। इनको यहाँ दिव्यापुर लेके आए और हमारा सारा फंक्शन वगैरह हुआ है और 25 जनवरी को हमारी शादी शिव गैलेक्सी हॉल में हुई है। राम जी ने बताया कि शैनल ने जब भारत में कोरोना था तभी मेरी मदद की और मेरा पूरा ख्याल रखा। हम एक दूसरे को बिना देखे ही पसंद करने लगे थे और मौका देखकर दोनों ने घर वालों से बात की और वो राजी हो गए, जिसके बाद शैनल अपने परिवार के साथ इंडिया आई और शादी के बंधन में बंध गई। शैनल फर्राटेदार हिंदी भी बोलती हैं। शैनल ने बताया कि वो एक महीने का वीजा लेकर भारत आई हैं। परिवार भारत में अलग अलग जगह रहता है। हमारी शादी हुई, हम ऑनलाइन जब नीचे में लॉकडाउन चल रहा था, शायद इंडिया में उस टाइम चल रहा था, तब हम ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू मिले थे। तो ये मेरे अंडर काम करते थे उस टाइम और मैं इनकी मैनेजर थी। ऐसे मिले और हमारे काफ़ी दोस्त भी ऐसे जानने वाले थे, तो उनके थ्रू हम मिले, बात हुई हमारा, बातचीत करना इनसे अच्छा लगा देखने में और बात करने में काफ़ी समझदार इंसान लगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, बात की। फिर बात करते करते 26 अप्रैल को 2021 हमने डिसाइड किया कि रिलेशनशिप में आएंगे। फिर मेरे बर्थडे सेवनटीन अगस्त डिसाइड किया कि अब चलो शादी का सोचते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके बात हुई, घर वालों को बताया गया मार्च में पिछले साल, फिर वहाँ से बात आगे बढ़ी। औरैया की इस अनोखी शादी को देखने और सुनने वाले भी हैरान हैं। और तो और ये पूरे इलाके में शादी चर्चा का विषय बन गई है कि कैसे ऑनलाइन मुलाकात हुई और 2 साल बिना एक दूसरे को देखे पसंद कर शादी के लिए राजी हो गए।